हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सक्सेस सीट। अक्षय गोस्वामी दिस साइड। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा, हाउ टू डेवलप योर एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को कैसे बढ़ाएं, कैसे विकास करें अपने एटीट्यूड का, और ये भी जानेंगे कि एटीट्यूड होता क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एटीट्यूड होता क्या है। व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड होता है हमारा बिहेवियर, हमारा माइंडसेट, हमारा व्यू पॉइंट और हमारा बिलीफ किसी भी सिचुएशन के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी भी आइडिया के लिए। हमारा नज़रिया, हम उसको किस प्रकार देखते हैं। एटीट्यूड से ही हमारा कैरेक्टर दिखता है कि हम किस कैरेक्टर के इंसान हैं। एटीट्यूड हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो वर्किंग लाइफ हो। मान लीजिए अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो ना ही हमारी पर्सनल लाइफ अच्छी होगी, ना ही हमारी वर्किंग लाइफ अच्छी होगी। हम दोनों में ही सफल नहीं हो सकते हैं। अब अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा है तो हम किसी भी परेशानी को भी अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी सिचुएशन ऐसी बेकार आती है तो हम उस पर ओवरकम कर जाते हैं। अब अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो हमारी जो वर्किंग लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उसी प्रॉब्लम को हम अपने घर में लेके आ जाते हैं, वो हमारी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करने लग जाती है, और पर्सनल प्रॉब्लम्स हमारे ऑफिस वर्क, हमारे वर्किंग प्रोफाइल में प्रॉब्लम करने लग जाती है। अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा है तो हम दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, पर्सनल लाइफ को भी और वर्किंग लाइफ को भी। बिना अच्छे एटीट्यूड के कोई भी स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता, कोई भी टीचर एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता, कोई भी माता पिता एक अच्छे माता पिता नहीं बन सकते, कोई भी बिजनेसमैन एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता जब तक उसका एटीट्यूड अच्छा ना हो। उसके लोग उसको तभी पसंद करेंगे जब उसका एटीट्यूड अच्छा होगा। किसी भी कंपनी का बॉस जब तक एक अच्छा बॉस नहीं बन सकता जब तक उसका एटीट्यूड अच्छा ना हो। उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ उसको प्यार नहीं करेंगे अगर उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। अगर उसका एटीट्यूड अच्छा है तो उसकी कंपनी के लोग प्यार भी करेंगे उसे, और उसकी कंपनी ग्रो भी करेगी। हमारा एटीट्यूड ही हमारा नज़रिया दिखाता है, हमारा कैरेक्टर बताता है कि हम कैसे इंसान हैं। चलिए बात करते हैं कि एटीट्यूड होते कितने टाइप्स के हैं। दो टाइप्स के एटीट्यूड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड। चलिए तो बात करते हैं जिन लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो होते कैसे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले जो लोग होते हैं वो बड़े ही ऑप्टिमिस्ट होते हैं। कोई भी परेशानी आती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो परेशानी को नज़रअंदाज करते हैं, वो उस परेशानी का हल निकालते हैं एक पॉजिटिव वे में कि इससे किस तरीके से निकला जा सकता है। ये बड़े ही काम, फोकस्ड और एनर्जेटिक होते हैं। पॉजिटिव माइंड वाले, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग ये अच्छाइयों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि बुराइयों पर, किसी पर्सन की हो चाहे वो किसी सिचुएशन की हो। साथ के साथ ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, ये किसी भी अपनी हार को ये अपने दिल पर नहीं लेते, ये उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और अपने ऊपर फिर काम करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग प्रोडक्टिविटी पे बड़ा ध्यान देते हैं। यस, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, हमारा एटीट्यूड हमारा कैरेक्टर को दिखाता है कि हम किस प्रकार के बंदे हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी फील्ड में काम करते हैं, ये हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं, ये अपनी गलतियों को किसी दूसरे इंसान पर नहीं थोपते, ये उसको एग्री करते हैं कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है, और साथ के साथ अगर कोई गलती इनसे हो भी जाती है तो ये उस गलती को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, उससे सीख के उसका सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। और किसी भी सिचुएशन को एक्चुअली में होता क्या है, हम इंसान जो होता है उसका नेचर होता है वो बदलाव से बड़ा डरता है, लेकिन जो पॉजिटिव माइंडेड पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं ये बदलाव से डरते नहीं है, ये बदलाव के अकॉर्डिंग अपने आप में भी बदलाव कर लेते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग, ये बड़े ही पैसिमिस्ट होते हैं, ये हमेशा रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, ये हमेशा सोचते रह जाते हैं, ये अपने कम्फर्ट जोन में रहते हैं, और अगर इनसे कोई गलती हो भी जाती है तो ये उस गलती को अपने ऊपर ना लेके किसी और पे थोप देते हैं कि ये फलाने आदमी से गलती हुई है। ये ना ही फोकस्ड होते हैं, ना ही एनर्जेटिक होते हैं,
ये लेजी होते हैं और हमें और अग्रेसिव भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये अपनी किसी भी अपनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते और किसी भी पर्सन या किसी भी कंडीशन को उसकी अच्छाइयों का न देख के उसकी बुराइयों को देखते हैं। किसी पर्सन में अगर ये उसकी अच्छाई नहीं देखते, उसकी बुराई को देखते कि हाँ ये इंसान ऐसा है या इंसान वैसा है, उसकी अच्छाइयाँ नहीं देखेंगे कि उस इंसान के अंदर अच्छा क्या है, उस सिचुएशन के अंदर अच्छा क्या है। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग आगे तक की नहीं सोचते, लॉन्ग विजन नहीं सोचते ये कभी भी। ये जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चल रही होती है। कभी आप ऐसे पर्सन से मिलते भी होंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई कैसा चल रहा है, तो वो यही कहेंगे हाँ भाई बस ठीक है चल रहा है जो भी है। ये आगे तक की सोचते ही नहीं है, रेदर देन ये। और पॉजिटिव लोग जो होते हैं वो आगे तक की सोचते हैं, विजनरी होते हैं, ये विजनरी नहीं होते। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग बदलाव से बहुत डरते हैं, चेंज से बहुत ज्यादा डरते हैं। ये चेंज चाहते ही नहीं है, अपनी जिंदगी में भी चेंज नहीं चाहते। जैसी जिंदगी चल रही है ये वैसी जिंदगी ही चलाना चाहते हैं। तो चलिए हमने ये तो समझ लिया पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है एंड नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है। अब बात आती है कि मैं अपना पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप करूं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है जो रातों रात आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। ये छोटे छोटे अभ्यास, छोटी छोटी प्रैक्टिस है जो आपको डेली करनी है, छोटी छोटी हैबिट्स है जो डेली आपको अपने जीवन में अप्लाई करनी है। जब आप इन हैबिट्स को अप्लाई करते हो, डेली इनको यूज करते हो, तो आपका एटीट्यूड डेवलप होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। इसके लिए मैं आपको तीन बातें बताऊंगा किस तरीके से आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कंपनी, यस एनवायरमेंट। ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। क्योंकि आपने सुना ही होगा जिन पांच लोगों के साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उन पांच लोगों की हैबिट्स का नतीजा होते हैं हम लोग, उनकी हैबिट्स हमारे अंदर होती हैं। तो ये आपको देखना है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इसमें आपका स्वार्थ होना चाहिए कि मेरे को दोस्तों का चुनाव करना है। यस आपको करना भी पड़ेगा क्योंकि आपकी लाइफ को डिजाइन करने वाले आप खुद हैं। किन लोगों के साथ आपको रहना है, किन लोगों के साथ नहीं रहना है, इसका डिसीजन आप खुद लेंगे। कौन ऑप्टिमिस्ट है, कौन पैसिमिस्ट है, कौन दूर तक की सोचता है, कौन दूर तक की नहीं सोचता है, ये सारा डिसीजन आप ही लेने वाले हैं। क्योंकि आप अपनी लाइफ के कर्ता धर्ता हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए जो आपको करेज करें, जो आपको इंस्पायर करें, जो आपको हमेशा बढ़ावा दें, जो लॉन्ग विजनरी हों, जो आगे तक की सोचते हों, उन लोगों के साथ रहना शुरू करें। ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करें जो अपनी जिंदगी में सफल हो। सफल का मतलब ये नहीं कि वो पैसे वाले हो, सफल का मतलब लॉन्ग विजनरी हो वो, उनका माइंड इतना ब्रॉड हो वो आपको बेकार से बेकार सिचुएशन में भी अच्छी सी अच्छी बात बता सके। अच्छे अच्छे लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, सफल लोगों की, उनसे सीखिए, उनके एक्सपीरियंसेस, क्या क्या उन्होंने किया, कैसी कैसी सिचुएशन उनके सामने आई, फिर भी उन्होंने उन सिचुएशंस को पार कर दिया। तो ये आपका पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करेगा, ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेगा, ये सारी चीजें आपकी हेल्प करेंगी। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें भी अपनी लाइफ में अप्लाई करें, बुक्स पढ़ना शुरू करें, अपनी संगत को देखें किस संगत के साथ रहते हैं, आप अपनी लाइफ पर नजर रखिए कि मैं किन लोगों के साथ रहता हूं। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेफिनेटली डेवलप होगा। और अगर मान लीजिए आपके एरिया में, आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव हैं, आपको फिर भी उनसे बात करनी पड़ती है, तो थोड़ी बहुत बात कीजिए, हेलो हाय कीजिए, वहां से निकल जाइए। आप अपना टाइम, आपका टाइम बड़ा प्रीशियस है, तो उस टाइम को अपने ऊपर काम करने पर लगाइए। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो आपके घर में भी पॉजिटिविटी आएगी, आपके घर के फैमिली के मेंबर्स का भी पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड होगा। सेकंड पॉइंट है फोकस ऑन गुड थिंग्स। कोशिश करिए कि अच्छी चीजों पर ही ध्यान दें। हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराइयां होती है, अगर हम बुराइयां ढूंढेंगे तो बुराइयां ही मिलेंगी। तो कोशिश करिए उस इंसान की अच्छाइयां ढूंढने में ज्यादा समय बिताइए। क्योंकि जब आप किसी के अंदर बुराइयां ढूंढते हैं तो ये भी तो एक नेगेटिव साइन है, ये भी तो आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड बिल्ड कर रहा है। कोशिश करिए कि उनकी पॉजिटिव साइड को देखें,
आप उनसे क्या क्या सीख सकते हैं उस चीज को देखिए। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप अपने हाथ को आगे कीजिए और अपने थंब को ऊपर कीजिए। जब आप अपने थंब को देखेंगे तो आपको जो पीछे वाली चीज है, मतलब आपकी आंखों के सामने वाली चीज, वो आपको ब्लर दिखेगी जब आप अपने थंब को देखेंगे। लेकिन जब आप सामने वाली चीज को देखेंगे तो आपको अपना थंब ब्लर दिखेगा। तो इट्स डिपेंड ऑन फोकस, आप किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। अगर पॉजिटिव साइड को देख रहे हो तो पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड को देखोगे तो नेगेटिव होते चले जाओगे। कोशिश करिए कि पॉजिटिव चीज ज्यादा देखें। हर चीज में कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, हमारे अंदर भी बुराइयां होती हैं। मैं ये कह रहा हूं, अपने अंदर भी अगर बुराइयां हैं उन बुराइयों की तरफ ना देखें, अपने अंदर देखें कि आपके अंदर क्या चीज है और अच्छी। जब आप इस चीज पर ध्यान देंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस आएगी, वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेगी। आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, यार ये तो मेरे पे अच्छा है, ये मुझ पे अच्छा है, उस इंसान के अंदर ये अच्छा है, उस इंसान के अंदर ये अच्छा है। जब अच्छा 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 ढूंढोगे तो अच्छा ही होगा। फोकस ऑन गुड थिंग्स। थर्ड पॉइंट है ग्रेटिट्यूड, आभारी रहना, थैंकफुलनेस। आप आभारी रहिए जो आपके पास है। हमेशा फोकस कीजिए अपनी क्वालिटीज पर, आपके अंदर क्या अच्छा है। किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास कान नहीं है, किसी के पास पांव नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, यहां तक कि किसी के पास सोचने की शक्ति नहीं है। तो आप भगवान से थैंकफुल रहिए कि थैंक यू सो मच भगवान, आपने मुझे इतना कैपेबल बनाया है। मेरे अंदर वो सभी गुण हैं जो मुझे एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। ग्रेटिट्यूड की भावना आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी ट्रांसफर करती है जो आपके अंदर पॉजिटिवनेस लेके आती है और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। जैसे कि मैंने बताया, फोकस करो गुड थिंग्स पर, जो जो आपके अंदर अच्छा है उसके आभारी रहें, अपने माता पिता के आभारी रहें, अपने गुरु के आभारी रहें, अपने दोस्तों के आभारी रहें कि उन्होंने कितना कुछ सिखाया, आपके माता पिता आपके गुरु ने कितना कुछ सिखाया है। यह भी पॉजिटिवनेस का साइन है। इसी से तो अच्छे गुण दिखते हैं, इसी से तो अच्छा कैरेक्टर दिखता है कि सामने वाले का कैरेक्टर कितना अच्छा है। पॉजिटिव एटीट्यूड और किसे कहते हैं, जो हमेशा अच्छाइयां ढूंढता है, जो हमेशा आभारी रहता है चीजों का, नेचर का आभारी रहता है। हम सभी लोगों को इस चीज का सोचना चाहिए कि हम सभी लोगों को अपने अंदर जो क्वालिटीज है उन पर फोकस करके उनके लिए आभारी रहना चाहिए। आप एक चीज जरूर जानते हैं, जब तक हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते तब तक सामने वाला व्यक्ति हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। जब तक आप अपनी क्वालिटीज को नहीं पहचानेंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आप और नेगेटिव होते चले जाएंगे, क्योंकि आप देख भी नेगेटिव रहे हैं। आपके अंदर जो क्वालिटीज है आप उनको देख ही नहीं रहे हैं। हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना अपने अंदर रखिए कि मेरे पास ये है। फ्रेंड्स, अगर हम इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना तो भी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। बस अपने ऊपर काम करते रहिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। विद दिस थैंक यू सो मच। अक्षय गोस्वामी साइनिंग ऑफ।